यह हमारा मनुष्य का आहार नाल है। यहाँ पे समझेंगे हम कि किस तरह से मनुष्यों में भोजन के द्वारा आहार नाल से होते हुए पाचन क्रिया और पाचन क्रिया के फल स्वरूप हमारा पूर्ण रूप से पाचन क्रिया पूरी होती है ग्रंथियों द्वारा। तो उन ग्रंथियों को भी देखेंगे जिसके द्वारा हमारा पाचन क्रिया संभव होता है। आज कुछ आसानी से हम लोग देख लेते हैं। पहले क्या है, भोजन जो है वो मुख गुहा से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। तो ये हमारे आहार नाल का सबसे पहला जो कहते हैं सबसे पहला भाग है मुख। इसके बाद मुख से होते हुए वो हमारे जीभ के पास जाती है जहाँ पर बहुत सारे लाल एंजाइम होते हैं जैसे एमाइलेज और टाइलिन। ये क्या करते हैं, भोजन को पाचन क्रिया में मदद करते हैं। उसके साथ भोजन के साथ ये मिलकर ये हमारे शरीर में आसानी से ट्रैकिया के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। ये जो हमारे आहार नाल है वो स्थित कहाँ है, तो जस्ट हमारे जो ऑक्सीजन और हवा का जो नली होता है उसके जस्ट पीछे होता है। मतलब कि आगे कौन सी नली होती है, ये हमारा गैसीय नली जिसके द्वारा हम लोग श्वसन ले करते हैं, और इसके पीछे होता है हमारा आहार नाल का ग्रंथि जिसको ग्रास नली भी कहते हैं। इसकी कुल लंबाई जो होती है वो 8 से 10 मीटर तक होती है, 8 से 10 मीटर। मतलब कि ये एक तरह से पाइप की तरह होता है, और ये भोजन की क्रिया कैसे करता है, ये भोजन ग्रहण के बाद क्या होता है, जब यहाँ पे हमारा भोजन गया तो इसके जस्ट नीचे वाला भाग क्या हो जाता है, फूल जाता है, और पीछे वाला भाग पिचक जाता है। ऐसे करते करते हमारे शरीर में भोजन अंदर जाती है, तो इसको बोलते हैं स्वांगीकरण। और इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये क्रिया अगर ना हो ना तो कोई भी भोजन डायरेक्ट रूप से हमारे अंदर चला जाएगा, ये ऐसा होता नहीं है। और क्या होगा, अगर हम उल्टा हो गए तो हमारा सारा भोजन क्या हो जाएगा, नीचे से क्या हो जाएगा, ऊपर आकर गिर सकता है। तो इसलिए भोजन का जो नली होता है ग्रास नली, वो कुछ इस तरह से होता है कि अगर भोजन ग्रहण करते हैं तो वो धीरे धीरे हमारे शरीर में अंदर प्रवेश करते जाता है, और इस क्रिया में लगभग 5 घंटे का समय लगता है। पाचन क्रिया में 5 से 6 घंटे का समय लगता है, तब जाके पूर्ण पाचन की क्रिया संभव हो पाती है। बात करते हैं पाचन क्रिया में पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र है क्या, तो पाचन तंत्र आहार नाल, पाचन ग्रंथियां और पाचन क्रिया से मिले स्वरूप को ही कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र की सबसे बड़ी खासियत क्या है, कि सबसे बड़ी खासियत यह है कि भोजन की पाचन क्रिया में उपस्थित वे सारे ग्रंथियों को ही हम लोग आहार नाल कहते हैं, और उसी को हम लोग विस्तार से जानते हैं। पहला अंग है मुख। मुख मुख आहार नाल के पार्ट है। पहला भाग क्या है, पाचन ग्रंथियां का पहला भाग है मुख। मुख में क्या क्या चीजें होती है दोस्तों, तो सबसे पहले लार होता है, उसके बाद है जीभ, उसके बाद है दांत। ये चीज पढ़ेंगे, जैसे ही आगे आते हैं, आगे आने के बाद ये हमारा ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद है ग्रास नली। ग्रास नली से जैसे ही आगे बढ़ते हैं क्या क्या है दोस्तों, बहुत सारे अंग हैं, जैसे कि डायफ्राम है, डायफ्राम, लीहा, ये सब छोटे छोटे अंग हैं। इम्पोर्टेंट पार्ट को लिखते हैं, इम्पोर्टेंट पार्ट है मेरा यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत,
और क्या दोस्तों, एक और है अमाशय, और एक और चीज छोड़ गया अग्नाशय। ये और लास्ट में क्या है दोस्तों, रेक्टम, इसको बाद है एनस। तो ये हमारा मुख चरण है जिसके द्वारा पाचन क्रिया की पूरी क्रियाविधि समझते हैं। बात करते हैं लार की, मुख में सबसे पहले क्या है लार। तो दोस्तों अभी हमने बताया लार है क्या। लार एक तरह का एंजाइम है जो भोजन को क्या करता है, छोटे छोटे एंजाइम मिलकर, जैसे कि एमाइलेज और टाइलिन, ये दो एंजाइम क्या करते हैं, भोजन में मिलकर हमारे पाचन क्रिया की क्रियाविधि को आसान बनाती है। ये मुख्य रूप से जिसका पीएच मान 6.7 के करीब लगभग ये अम्लीय होता है। अम्लीय होने के कारण ये हमारे शरीर में पाचन क्रिया में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है, और इससे हमारा शरीर में वो चिकना होकर आसानी से प्रवेश कर पाता है। दूसरा है जीभ। जीभ जानते हैं कि ये हमारे शरीर का ऐसा अंग है जिसके कारण हमें स्वाद का पता चलता है कि कौन सी भोजन जो है खट्टा है, मीठा है या कड़वा है और नमकीन है। ये सारे स्वाद हमें जीभ के द्वारा ही पता चलता है। तो जीभ भी हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जिसके द्वारा किसी भी भोजन को हम लोग जब ग्रहण करते हैं तो उसका स्वाद पता चलता है। तीसरा है दांत। मुख में ही सारे चीजें हैं ये तीनों। दांत का क्या काम है दोस्तों, जब भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं तो शुरू शुरू भोजन जो होता है वो बड़े बड़े अणुओं में होता है, और वे दांत क्या करते हैं, उन भोजन को प्रत्येक छोटे छोटे कणों में विभक्त कर देता है ताकि भोजन हमारे शरीर में कहीं रुकावट उत्पन्न ना करे और वो छोटे छोटे कणों में बंटकर आसानी से प्रवेश कर जाए। तो दांत जो है मुख्य रूप से चार तरह के होता है। दांत कितने तरह के होते हैं दोस्तों, दांत जो है वो चार तरह के होते हैं। चार जो है अलग अलग है, जैसे पहला है क्या है दोस्तों, पहला दांत का जो पहला भाग है वो देखते हैं, पहला को कहते हैं कर्तनक, दूसरा भेदक, तीसरा है मोलर और चौथा है प्रीमोलर। ये चार तरह के दांत हैं दोस्तों। चारों दांत जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है, सबका अलग अलग काम है। कर्तनक माने ये काटने वाला है, कई भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं तो जो आगे दिखता है दांत उसको बोलते हैं कर्तनक। भेदक जो चीरने वाला है या फाड़ने वाला जो दांत है उसको हम लोग भेदक करते हैं। उसके बाद आता है प्रीमोलर। जैसे भेदक के बगल वाले दांत को प्रीमोलर कहते हैं, और मोलर चौहिया जिसको हम लोग बोलते हैं वो है मोलर। तो ये चार दांत का अलग अलग काम है, और इसके द्वारा हमारे शरीर में बहुत सारे मतलब भोजन की क्रियाविधि को आसान करती है। तो दांत के बारे में हम लोग सीख लिए, आपका जो मुख का काम हो गया वो पूरा हो गया। अब चलते हैं अगले पार्ट में, वो है क्या है दोस्तों, वो है ट्रैकिया।
भोजन ग्रहण करने के बाद हमारा ये जो क्रिया है ट्रैकिया में, यहाँ पर दो नली यहीं से निकलती है। क्या होता है जब भोजन यहाँ से प्रवेश करता है तो यहाँ पे एक ढक्कन लगा हुआ होता है। जब भोजन करते हैं तो श्वसन वाला जो भाग वाला पाइप होता है वो बंद हो जाता है और किससे प्रवेश करता है, ट्रैकिया से। ये श्वसन अंग का भाग नहीं बल्कि आहार नाल का ये भाग है ट्रैकिया, जिसकी मदद से सिर्फ भोजन ही प्रवेश कर पाता है इस अंग से। उसके बाद है ग्रास नली। ग्रास नली क्या है, ये एक तरह का पाइप है जहाँ से भोजन हमारे अमाशय में पहुँचता है। तो देखते हैं अमाशय का पार्ट डायफ्राम क्या है। डायफ्राम जो है ये अमाशय और जो यकृत है वगैरह वगैरह को क्या करता है, ये सुरक्षा प्रदान करता है। डायफ्राम उसे ढका हुआ रखता है। इसका मेन काम है ये क्या करता है दोस्तों, फेफड़ा हो गया, यकृत हो गया, ये सब को सेफ्टी प्रदान करता है। हृदय हो गया। और इसके बाद है यकृत। यकृत समझते हैं, यकृत क्या है दोस्तों। यकृत जिसका हम लोग कहते हैं कि शरीर में सबसे बड़ा कोई अंग है, ग्रंथि है, तो वो है यकृत, जिसका वजन 1.5 से 2 केजी तक होता है। 1.5 से 2 केजी तक सबसे वजनदार और सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है दोस्तों, यकृत। यकृत में बहुत सारे एंजाइम होते हैं। वो एंजाइम को जरा ध्यान से समझते हैं, यकृत में क्या क्या चीजें होती है। यकृत जो होता है शरीर का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा अंग है, जिसकी जो साइज है, यकृत की साइज लगभग 1.5 से 2 केजी का होता है। साथ ही साथ इसमें एक भाग है जिसका नाम है यहाँ पे पित्ताशय है, जो हल्का ग्रीन कलर का होता है। ये पित्त कहाँ होता है जी, पित्ताशय में। और इसका वर्क क्या है, ये दोस्तों ये क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय, जो हमारे शरीर में अम्लीयता को नष्ट करता है। पित्ताशय में पित्त जो होता है वो क्या करता है, अम्लीयता को नष्ट करता है। और जैसे ही हमारे शरीर में भोजन की क्रिया संभव होती है तो वो विखंडित कर अम्लीयता को नष्ट करती है। ये अकृत, यकृत का ही काम है। यकृत में पाए जाने वाली जो ग्रंथियां हैं वो कोई एंजाइम थोड़ी है, मतलब दोस्तों ये कहा जाए तो ये क्षारीय द्रव होता है। ये कोशिका जो होती है सबसे बड़ी मतलब अंग है शरीर का। बात करते हैं अब छोटी हाथ का। छोटी हाथ क्या है, तो छोटी हाथ आपको दिख रहा होगा, ये सारे पार्ट क्या है, एक नली है जिसकी ये सारे नलियां जो करती क्या है, भोजन का अंतिम पाचन जो होता है वो छोटी हाथ में होता है, जिसकी लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई लगभग कहा जाए तो 1.5 सेंटीमीटर 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक होती है। देखते हैं कि छोटी हाथ जो होता है वो 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, सॉरी यहाँ पे कितना सेंटीमीटर चौड़ा होता है, 2.5 सेंटीमीटर, लंबाई इसकी 6 मीटर होती है। जबकि बड़ी हाथ की जो लंबाई होती है वो 1.5 मीटर होता है। कितना होता है जी, 1.5 मीटर। आप सोचते होंगे कि इसका नाम छोटी हाथ क्यों रखा है और इसका बड़ी हाथ क्यों रखा, लंबाई के अनुसार नहीं बल्कि चौड़ाई के अनुसार देख लीजिए, इसका चौड़ाई ज़्यादा है, उसके अनुसार बड़ी हाथ को हम लोगों ने बड़ी हाथ कहा और छोटी हाथ को छोटी हाथ इसलिए कहा क्योंकि इसकी चौड़ाई जो होती है वो मात्र 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। लंबाई जरूर बड़ी होती है, इसका मुख्य रूप से बताएं कि कुल लंबाई 8 से 10 मीटर होता है। सबसे पहले जो लार्व होता है टाइलिन और लाइसोजाइम होता है, दो एंजाइम। जैसे ही हम लोग छोटी हाथ में आते हैं, यकृत में बताएं कि इसमें एंजाइम जो होते हैं
वो नहीं होते हैं बल्कि पीत होता है और पीतासे होता है जिसमें क्षारीय द्रव भरा होता है। छोटी हाथ की जब बात करें तो छोटी हाथ तीन पार्ट से बने होते हैं। तीन पार्ट कौन कौन है? पहला पार्ट को इलियम कहते हैं, दूसरा पार्ट को जेजुनम कहते हैं, सॉरी पहला पार्ट जो है ग्रहणी है, पहला पार्ट ग्रहणी, दूसरा जेजुनम और तीसरा है इलियम। जैसे ही भोजन की क्रिया शुरू होती है तो सबसे पहले ग्रहणी भाग में जाती है। ये बहुत ही बड़ा है, 6 मीटर का। शाकाहारी जीव में छोटी हाथ की लंबाई सबसे बड़ी होती है और मांसाहारी वाला जो जीव है उसका छोटी हाथ की लंबाई कम होती है। जिसकी वजह से क्या होता है कि शाकाहारी जो जीव होते हैं उसको पाचन क्रिया में बहुत ज़्यादा समय लगता है। छोटी हाथ की लंबाई बड़ी होने के कारण पाचन क्रिया देर से होती है। जितना छोटा छोटी हाथ होगा उतना जल्दी पाचन क्रिया संभव होगी। हमारे शरीर में ये लगभग 6 मीटर का होता है तो टाइम थोड़ा लगता है, लेकिन जैसे ही शेर, चीता, बाघ ये सब मांसाहारी जानवर है, इन लोगों को देखा जाए तो पाचन क्रिया बहुत ही जल्दी होता है, 2 से 3-4 घंटा में पूरी तरह से हो पाती है। लेकिन हम लोग देखते होंगे कि शाकाहारी जीव जैसे गाय, भैंस, बकरी ये सब का जो छोटी हाथ की लंबाई है वो क्या होती है दोस्तों? बड़ी होती है, जिसकी वजह से पाचन क्रिया में उन लोगों का समय जो होता है वो बहुत ही अधिक लगता है। ये पहला जो है अग्रभाग छोटी हाथ का उसको ग्रहणी कहते हैं। सेकंड पार्ट है जेजुनम, ये छोटी हाथ का मध्य भाग होता है। और थर्ड भाग है इलियम, वो अंतिम चरण होता है दोस्तों। यहाँ से हमारे भोजन का पूरी तरह से पाचन क्रिया खत्म होती है और इस तरह से हम छोटी हाथ की क्रिया में पूरी करते हैं। तो यहाँ से एक बहुत अच्छा सवाल है कि हमारे भोजन का जो पाचन क्रिया है उसका अंतिम चरण कहाँ होती है? तो वो है दोस्तों छोटी हाथ में। कहाँ होती है? छोटी हाथ में। बड़ी हाथ का कुछ थोड़ा बहुत काम जो है वो क्या करता है बड़ी हाथ? बड़ी हाथ का काम है दोस्तों जब भोजन पाचित हो जाता है तो अवशिष्ट पदार्थ को उसके निष्कासन स्थान तक पहुंचाना होता है, मूत्राशय और रेक्टम के जगह पे। तो वो यूरिया और जितने भी अवशिष्ट पदार्थ है उसको शरीर से बाहर अलग करने में मदद करता है। और एक चीज देखिए यहाँ पे, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स है क्या दोस्तों? ये हमारे शरीर का एक कोई काम ना आने वाला हमारे शरीर में पार्ट है। ये जो होता है वो तो थोड़ा सा यहाँ पे निकला हुआ होता है। इसमें अगर कोई भोजन चला गया तो जल्दी निकल नहीं पाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में दर्द उत्पन्न होता है और पथरी का संकट उत्पन्न करता है। अगर हमारा कभी भी शरीर में ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, इसको काट कर उसी समय निकाल देता है ताकि भविष्य में पथरी वगैरह और दर्द का जो मामला है वो सामने ना आए। तो ये बहुत ही हानिकारक अंग है दोस्तों। इसे हमारे शरीर में अवशिष्ट अंग के रूप में जाना जाता है, जिसका कोई भी वर्क नहीं है और इसी को नाम हम लोग कर देते हैं अपेंडिक्स। ठीक है दोस्तों, तो बड़ी आदमी समझ गए होंगे। इसकी कुल लंबाई 1.5 मीटर और चौड़ाई जो होता है वो छोटी हाथ से बड़ी होती है, 2.5 है तो ये 5 के लगभग में हो सकती है, 4.5 के लगभग में। तो इस तरह से हम लोग समझ गए बड़ी आदमी। अब है अमाशय अग्नाशय। अमाशय क्या है दोस्तों? जिसको हम लोग कहते हैं पेट। क्या कहते हैं? पेट। ये एक थैली नुमा रचना है शरीर का जहाँ पे भोजन हम लोग को इकट्ठा होते रहता है। देखो ये होता कहाँ है? तो ये हमारे शरीर का जो यकृत है उसके जस्ट पीछे होता है अमाशय। थैलीनुमा रचना है जहाँ पे
ओजन स्टोर होता है और वहां पे भी पाचन क्रिया का काम शुरू होता है। देखते हैं आमाशय की दीवार क्या होती है। इसमें श्लेष्मा कोशिका पहली, तीन पार्ट होते हैं आमाशय की भी। पहले पार्ट को कहते हैं श्लेष्मा कोशिका, दूसरा पार्ट को कहते हैं भेतीय कोशिका और तीसरा पार्ट को कहते हैं जयमोजिन कोशिका। तो ये तीनों पार्ट मिलकर जठर रस का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है दोस्तों? जठर रस। ये जठर रस है क्या? ये तीन चीजों का मिश्रण है। पहला को कहेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट आपका म्यूकस है, म्यूकस। और तीसरा श्लेष्मा। ये तीनों पार्ट आमाशय में होती है, जो क्या करता है, कीटाणुओं को मारता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो भी हमारे भोजन के द्वारा बहुत सारे जीवाणु बैक्टीरिया वगैरह आता है, उसको नष्ट करने का काम करती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। म्यूकस और श्लेष्मा भी जठर रस का भाग है। ये पर डे लगभग जठर रस का निर्माण हमारे शरीर में 3 लीटर होता है। कितना लीटर होता है दोस्तों? लगभग 3 लीटर, जो काफी ही ज्यादा मतलब अम्लीय होता है। ये अम्लीय होता है जिसके कारण बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है। ये भोजन में क्या होता है, पेप्सिन नामक एक एंजाइम को पेप्टोन में बदलकर हमारे शरीर में भोजन का पाचन आंतरिक रूप से करता है। कभी कभी ये जठर रस का निर्माण हमारे शरीर में ज्यादा हो जाता है। ये देखिए संकुचन, भोजन का संकुचन, और यहाँ पे भोजन का देखिए शिथिलन हो रहा है, फैल रहा है ये। तो ये भोजन ऐसे ही हमारे शरीर में प्रवेश करता है, पहले संकुचित होता है, फिर शिथिलित, फिर संकुचित, फिर शिथिलित, ऐसे ऐसे भोजन आगे बढ़ता है। तो ये दीवार जो देख रहे हैं, इसी दीवार से क्या होता है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्या है, श्लेष्मा निकलती है। जब भोजन हमारे शरीर में नहीं जा पाता, क्या होता है, जब भोजन हमारे शरीर में नहीं जा पाता, तो ये बात करें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और म्यूकस और श्लेष्मा जो है वो हमारे शरीर से आमाशय की दीवार से निकलते रहती है। और मान लिया जाए अगर इसमें भोजन नहीं आएगा तो वो किसे पचाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसे पचाएगा? क्या करता है ये जो दीवार है भोजन नहीं मिलने के कारण, यही दीवार को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, पचाना शुरू कर देता है। इसी को क्या कर देता है, काटना शुरू कर देता है, और इसको क्या कर देता है, पाचित करने की क्रिया शुरू कर देता है। क्योंकि ये पर डे 3 लीटर क्या करता है, जठर रस का स्राव करता है। और इसीलिए व्यक्ति को कभी भी भूखा नहीं रहना चाहिए, सुबह सुबह कुछ ना कुछ ग्रहण कर लेना चाहिए, या शाम। कभी भी भूखा रहने से होता क्या है कि ये भोजन नहीं मिलने के कारण ये शरीर के मतलब आमाशय की दीवार को ही पचाना शुरू कर देता है, और इसके कारण हमारे शरीर में अल्सर उत्पन्न हो जाता है। अल्सर, इसको बोलते हैं अल्सर, पेट दर्द और अल्सर की जैसी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। और ये एक तरह का घाव होता है दोस्तों, इसमें पेट बहुत जलेगा और ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो जाता है। तो इसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर छारीय वगैरह का घोली खाते हैं। इसे हम एसिडिटी बोलते हैं। एसिडिटी बढ़ जाने के कारण हमारे शरीर में अल्सर और घाव जैसी जो फोड़े होते हैं उसको हम लोग अल्सर बोलते हैं, ये उत्पन्न हो जाता है। इसलिए हम ऐसी बीमारियों को ठीक करने के लिए छारीय इस्तेमाल करते हैं, छारीय घोली का। तो समझ गए होंगे जठर रस दोस्तों क्या है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल म्यूकस श्लेष्मा का मिला जुला रूप है, जो करीब पर डे 3 लीटर हमारे शरीर में उत्पन्न होता है। अब चलते हैं अगला पार्ट देखते हैं। एक और अग्नाशय छूट गया आपका, अग्नाशय जो होती है वो आमाशय के ठीक नीचे होती है। ये देख लीजिए, इसमें बहुत सारी पतली पतली नलिकाएं होती है।
जिसे हम अग्न्याशय नलिकाएं बोलती हैं, इसमें बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं दोस्तों। ये एंजाइम कहते क्या है, भोजन को पाचन क्रिया में बहुत ज्यादा ही मदद करती है। पहला एंजाइम है ट्रिप्सिन, दूसरा एमाइलेज, तीसरा लाइपेज, चौथा न्यूक्लियस। न्यूक्लिक एसिड बनते कैसे हैं, न्यूक्लियस और न्यूक्लिक्स अम से न्यूक्लियोटाइड बनता है। ये सारे अभिक्रियाएं हमारे शरीर में अग्न्याशय रस से ही होते हैं, जो कि बहुत ही खास है। पतली पतली ही नलिकाएं होती है, हल्के पीले कलर का होता है, ये अग्न्याशय के ठीक नीचे होता है दोस्तों, अग्न्याशय के ठीक नीचे। इस तरह से हम विभिन्न अंगों के बारे में जान गए। थोड़ा सा और देख लेते हैं रेक्टम और एनस, जहाँ से हमारा अवशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकलती है। तो इस तरह से आज आपने हमारे मनुष्य के आहार नाल की शॉर्ट में एक बिल्कुल अच्छे नोट्स समझ गए। तो आज का ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपके लिए नए चैप्टर के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।